गंगोत्री से 14 किलोमीटर का सफर तय करके जब गोमुख की ओर बढ़े तो रास्ते के अंदर सिर्फ मिला एक भोजवास। भोजवास ही एक ऐसी जगह है जो गोमुख जाने वाले प्रत्येक यात्री का ठहराव स्थल है। यहाँ है एक लाल बिहारी बाबा का आश्रम। यही एक आश्रम है जो पिलग्रिम्स के लिए एक सुकून देता है। यहाँ इस आश्रम में सारी व्यवस्थाएं पिलग्रिम्स के लिए की जाती है, रहना, खाना, इनका नाश्ता, इसके अलावा कोई भी सहारा नहीं है। जब गोमुख से की ओर जाते हैं और गोमुख से आते हैं तो यही एक ठहराव स्थल है। कहने के तो यहाँ गढ़वाल मंडल का रेस्ट हाउस भी है, लेकिन उसमें लोग जाना कम पसंद करते हैं, लाल बिहारी के आश्रम को ज्यादा पसंद करते हैं। यहीं कुछ लोगों ने एक टेंट टाइप लगा रखा है जिसके अंदर गंगा पर रिसर्च किया जाता है। ये आश्रम पूरे साल भर खुला रहता है, सर्दियों में भी यहाँ लोग रहते हैं, लेकिन बर्फ बहुत ज्यादा जम जाती है। बताते हैं कि 1962 से ये आश्रम यहाँ पर है और पिलग्रिम्स की सेवा में लगा हुआ है। बताते हैं कि लाल बिहारी आश्रम को ही एक सुकून कहे या इसको मिडवे कहे, अब आप इसको देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि चारों ओर बर्फ की पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आ रही है। पत्रिका.com के लिए पुरुषोत्तम शर्मा की रिपोर्ट।